अपना नाम बताइए मैम। शिवानी यादव। आप लोग आज संडे है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुनने मारा कि संडे को भी क्लास चले, क्या यह बात सही है? हाँ। किस चीज़ की क्लास थी आप लोगों की? हिंदी साहित्य। कितने दिनों से लगातार चल रही है, कितने घंटे की क्लास चली आज? यही पिछले दो हफ्ते से चल रही है। तीन घंटे क्लास चलती है। तीन घंटे की क्लास कंटिन्यू? तीन घंटे नहीं, बीच ब्रेक मिलता है। कौन प्रोफेसर पढ़ाते हैं? बहुत अच्छी बात है कि संडे को भी क्लास चलती है। और किस दिन चलती है क्लास हिंदी डिपार्टमेंट में? पूरे हफ्ते के सातों दिन। सातों दिन लगातार चल रही है। क्या पर्पज है कि लगातार क्लास ले रहे हैं प्रोफेसर? सिलेबस नहीं कम्प्लीट है तो। कितना कम्प्लीट है मैम? मतलब हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है तो करवा लेंगे पेपर से पहले। कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा हिंदी है, मिडिल एजुकेशन है। एजुकेशन कितना पढ़ाया गया है? एजुकेशन में भी हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है। और मिडिल में? उसका भी थोड़ा बहुत सारे बचे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा बचा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है 20% सिलेबस कम भी कर दिया, लेकिन कुछ छात्र नेता जो है छात्र मांग भी कर रहे हैं कि जो और सिलेबस कम कर दिया जाए। आपका शुभ नाम क्या है मैम? शिवानी यादव। आपका कितना कंप्लीट हुआ सिलेबस मैम, बता सकती हैं? जी, सिलेबस तो लगभग सब कंप्लीट हो गया है। आज दीनानाथ मौर्य सर ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, और हालांकि अब अगर क्लास लेंगे तो वो रिवीजन करवाएंगे। अच्छा। हाँ, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी, मिडिल, हिस्ट्री और एजुकेशन। एजुकेशन जी। मिडिल हिस्ट्री की क्लास चल रही है? हाँ, मिडिल हिस्ट्री की क्लास FCI में चलती थी, अब डिपार्टमेंट में चल रही है, और उसका भी सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छी बात होती है कि सैटरडे को भी और संडे को भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं, सभी जी आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि आपका वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तमाम स्टूडेंट्स देखेंगे, चाहे वो CMP को हो, चाहे ISDC के हो, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हो, एक उनको अलग संदेश जाएगा कि जो है पिछले कुछ दिनों से छात्र लगातार आंदोलन भी कर रहे थे UG वाले, लेकिन अब उनको जो है लगातार क्लास करना पड़ रहा है। आपको क्या फीलिंग हो रही है क्लास को लेकर? ये आंदोलन करने से अब कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, हालांकि हमारी परीक्षाएं अब निश्चित हो गई हैं कि हाँ 5 से स्टार्ट होंगी, और सिलेबस भी लगभग कम्प्लीट हो गया है। कब आपके कौन कौन से डेट्स का एग्ज़ाम है आपका? 8 को है, 9 को है, 12 को है, 13 को है, और 26 और 27 को लास्ट एग्जाम है। आपका कौन सा क्लास है मैम जो आज आप ले रही हैं? मेरा हिंदी का है। कितने दिन हो गए हिंदी की क्लास चलते हुए? ये 2 हफ्ते चल रही है। 2 हफ्ते से लगातार कंप्लीट हो गया सिलेबस? 2 हफ्ते में नहीं, क्लास तो चल रही है फरवरी से। अच्छा, फरवरी से चल रही है, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसलिए एक्स्ट्रा क्लास चलाई जा रही है। अब कंप्लीट हो चुका है आप लोग बोल रहे हैं? जी जी, सिलेबस पूरा कंप्लीट। अब आप लोगों को क्या खुशी महसूस हो रही है कि हमारे जो है सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपको एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, वो बच्चों के डिमांड पे। जी, अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब विश्वविद्यालय प्रशासन हम अपना 100% दें और एग्ज़ाम में अच्छा करें। अच्छा, एग्ज़ाम में अच्छा करिए आप लोग, मतलब तैयारी लगातार कर रही हैं? जी। क्या क्या तैयारी, किस प्रकार से प्रिपेयर कर रही हैं मैम? तमाम स्टूडेंट्स आपको देखेंगे ताकि आपको एक गाइडेंस के रूप में आपको वो भी आप लोगों को सीखे, आप लोगों से सीख लें। तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप अपने पुराने मतलब पिछले साल के जो अनसाल हैं उनको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे में आप लिखने की पूरी कोशिश करिए, और मतलब राइटिंग मतलब उसको मतलब इतना ज़्यादा लिखिए मतलब कि मतलब एक क्वेश्चन राइटिंग स्किल होनी चाहिए। इस बार क्राइटेरिया क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने घंटे समय है आप लोगों के लिए? 2 घंटे में 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी पर क्वेश्चन 30 मिनट है, तो लिखना ज़्यादा जरूरी इम्पोर्टेंट है। जी, अब आप लोग खुश हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।